नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देश दुनिया की तमाम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका, और अगले एक घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम खबरें, जिसमें मुख्य तौर पर बात होगी हादसे को लेकर के। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में रंगापानी स्टेशन के पास ट्रेन हादसे में 9 लोगों की मौत, 50 के करीब लोग हुए घायल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटनास्थल का किया दौरा, घायलों से की मुलाकात। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने जताया शोक, कटिहार से दिल्ली आने वाली अपलाइन सेवा हुई बहाल। मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक। केंद्र, राज्य सरकार, सेना और अन्य सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में हुए शामिल। प्रधानमंत्री मंगलवार को वाराणसी से पीएम किसान के तहत लगभग 20,000 करोड़ रुपए की 17वीं किस्त करेंगे जारी। प्रधानमंत्री 30,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों के कृषि सखियों के रूप में प्रमाण पत्र भी करेंगे प्रदान। राहुल गांधी ने केरल के वायनाड सीट छोड़ने का किया फैसला। रायबरेली से बने रहेंगे लोकसभा सांसद, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने की घोषणा। वायनाड से लड़ेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। पानी की चोरी रोकने के लिए दिल्ली पुलिस का पाइपलाइन पर पहरा। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ तेज किया विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक में भी पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लू का कहर जारी। मौसम विभाग ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में लू का रेड अलर्ट किया जारी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सबसे अधिक 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। अगले 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी की स्थिति बने रहने के संभावना। और हेडलाइंस के बाद आप खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं हादसे को लेकर। दरअसल पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी के पास खड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से एक मालगाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। रंगापानी और निजवाड़ी के पास हुए इस हादसे में 3 बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इस हादसे में 9 लोगों की मौत भी हो गई और कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पास रंगापानी में ट्रेन दुर्घटना स्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। पश्चिम बंगाल में सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस सोमवार को सुबह न्यू जलपाईगुड़ी के पास हादसे का शिकार हो गई। उसे एक मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। यह हादसा इतना भयावह था कि मालगाड़ी से टक्कर होने के बाद ट्रेनों की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं, जबकि कई बोगियां हवा में लहरा गईं। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि घायलों का उपचार किया जा रहा है और हर संभव सहायता मुहैया कराई जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सिलीगुड़ी में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में घायलों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि घटना की जांच की जाएगी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये राजनीति करने का समय नहीं है, सभी प्रयत्न किए जाएंगे जिससे जल्दी से जल्दी ठीक हो, दुर्घटना की जांच भी होगी। ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है, अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। पैसेंजर सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा फोकस है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा ने बताया कि बचाव अभियान पूरा हो गया है। ट्रेन चला रहे लोको पायलट ने सिग्नल की अनदेखी की थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। हालांकि हादसे में उसकी भी मौत हो गई। वहीं कंचनजंगा एक्सप्रेस के गार्ड ने भी अपनी जान गंवा दी है। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी यही थी कि रेस्क्यू हो जाएं लोग, तो रेस्क्यू ऑपरेशंस कंप्लीट हो गए हैं। NDRF, आर्मी, एवरीबॉडी, सब कोई वहां पर पहुंच गए हैं घटनास्थल पर रेस्क्यू के लिए। तो सारा रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो ड्राइवर थे, जिन्होंने वो सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आगे चले गए, उनकी भी जान चली गई है। और जो गार्ड थे, जो सबसे पीछे का डिब्बा था कंचनजंगा का, उनकी भी जान गई है। हादसे के दौरान ट्रेन में मौजूद एक पैसेंजर ने घटना की आपबीती बताई। अचानक ट्रेन का झटका आया, झटका तो मेरा सिर में चोट लगा, तो मैं तुरंत, मेरा फैमिली भी है ट्रेन में,
मैं अपने फैमिली के साथ में बाहर आया और मैं देखा कई आदमी ऐसा जो है पैसेंजर जो बाहर आ गया, क्या करूंगा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बारिश भी चल रहा था, फिर हम वो बाहर तरफ भाग गया, फिर आग भी लग गया, कोई बोले आग लग गया, आग लग गया। फिर जब देखा थोड़ा आग कम हुआ, फिर हम ट्रेन के अंदर आया, लेकिन हम थोड़ा घबरा हुआ है, मेरे सिर में भी चोट आया है। मेरा तो B1 कोच था, बहुत जोर से मतलब झटका दिया है, तो जैसे झटका दिया तो सब ऐसे बोल रहा था कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हम भी चिल्ला रहा था, सब रो रहा था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल दुर्घटना के पीड़ितों को अनुग्रह राशि देने की बात कही है, जिसमें मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए मिलेंगे, जिन्हें गंभीर रूप से चोट लगी है उन्हें 2.5 लाख रुपए और मामूली चोट वालों को 50,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। कंचनजंगा ट्रेन हादसे के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मृतकों के परिजनों के लिए राहत राशि का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए जबकि घायलों को 50,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। रेलवे ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिससे घायल यात्रियों की तुरंत मदद की जा सके और उनके परिजन हर अपडेट के बारे में जानकारी ले सके। कोलकाता से प्रसेनजीत बख्शी के साथ अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में मणिपुर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार मणिपुर के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति पूरी तरह कटिबद्ध है। अमित शाह ने मणिपुर में शांति और सौहार्द बहाल करने के लिए केंद्रीय बलों की रणनीतिक तैनाती करने को कहा, साथ ही कहा कि आवश्यकता पड़ने पर बलों की तैनाती बढ़ाई जाएगी। गृहमंत्री ने राहत शिविरों की स्थिति की भी समीक्षा की, साथ ही भोजन, पानी, दवाइयों और अन्य बुनियादी सुविधाओं की समुचित उपलब्धता के निर्देश दिए हैं। गृहमंत्री ने हिंसा करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। अमित शाह ने मणिपुर के मुख्य सचिव को विस्थापित लोगों के लिए उचित स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं सुनिश्चित करने, साथ ही उनका पुनर्वास करने के लिए भी कहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि गृह मंत्रालय जल्द ही दोनों समूहों मैतेई और कुकी से बात करेगी, ताकि दोनों समुदायों के बीच की खाई को पाटा जा सके। वहीं तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को यानी कल वाराणसी का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लगभग 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 17वीं किस्त जारी करेंगे। 19 जून को प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पर रहेंगे, जहाँ प्रधानमंत्री नालंदा के भगवाशेष का दौरा करेंगे और नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के पीएम बनने के बाद अपने 2 दिवसीय दौरे पर 18 जून को वाराणसी पहुंचेंगे। 18 जून को प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन में भाग लेंगे। शाम को प्रधानमंत्री दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भाग लेंगे। वहीं रात को उनका काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन करने का भी कार्यक्रम है। मोदी सरकार किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। यही कारण है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद उन्होंने पीएम किसान निधि की 13वीं किस्त जारी करने की अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए। इस प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लगभग 9 करोड़ 26 लाख लाभार्थी किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की 17वीं किस्त जारी करेंगे। अब तक 11 करोड़ से अधिक पात्र किसान परिवारों को पीएम किसान योजना के अंतर्गत 3.04 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री स्वयं सहायता समूहों की 30,000 से अधिक कृषि सखी महिलाओं को प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। कृषि सखी कन्वर्जेंस कार्यक्रम यानी KSCP का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं का कृषि सखी के रूप में सशक्तिकरण करते हुए कृषि सखी महिलाओं को पैरा एक्सटेंशन वर्कर के रूप में प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करके ग्रामीण भारत की तस्वीर को बदलना है। ये प्रमाणन कार्यक्रम लखपति दीदी कार्यक्रम के उद्देश्यों के भी अनुरूप है। अभी तक तो मैंने सब कुछ देखला नहीं रहे आँखी से, आज देखत बा कितनी बड़ी माहौल बनल बा, सब आके देखत बा, ताकत बा, हमने बहुत खुश हैला। प्रधानमंत्री आओ तो किसान सम्मान निधि का किस्त रिलीज करियन और किसान सखियन से मिलियन। हाँ, सखियन से मिलियन, बहुत बढ़िया, मैंने तो है उम्मा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ता भी खासे उत्साहित हैं। ये निश्चित रूप से हम सभी काशीवासियों के लिए हर्ष और उल्लास की बात है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि लोग सांसद चुनते हैं, हम लोग सीधे प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। ये हम लोग का सौभाग्य है। प्रधानमंत्री जी ने जीत की हैट्रिक लगाई है और काशी की जनता उनका स्वागत करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित है। 19 जून को प्रधानमंत्री नालंदा के भग्नावशेष का दौरा करेंगे। उसके बाद बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आयोजित सभा को संबोधित भी करेंगे। विश्वविद्यालय की परिकल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग के रूप में की गई है। इस उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुखों सहित कई प्रतिष्ठित गण शामिल होंगे। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास से गहरा संबंध है। लगभग 1600 वर्ष पहले स्थापित किए गए मूल नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के पहले आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। वर्ष 2016 में नालंदा के भग्नावशेष को संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल घोषित किया गया था। वाराणसी से हरिकेश बहादुर और शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वाराणसी बिहार के बाद अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां दिल्ली में पानी की किल्लत के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पूरी दिल्ली में मटका फोड़ प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली के गीता कॉलोनी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कार्यकर्ताओं के साथ मटका फोड़ प्रदर्शन किया। दिल्ली में पैदा हुए इस जल संकट पर बीजेपी अध्यक्ष सचदेवा ने सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के खिलाफ हाथों में बैनर पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी भी की। आइए दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में पानी का संकट है, जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। पानी को लेकर लोग चारों ओर त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। उधर दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार पानी को सियासी रंग देने पर तुली है। कभी वो पाइपलाइन में तोड़फोड़ के आरोप लगाते हैं, तो कभी हरियाणा को पानी की कमी का जिम्मेदार बताते हैं, तो कभी हिमाचल को। जनता टैंकर माफियाओं से त्रस्त है। दिल्ली के चारों ओर बसी ओखला, गोविंदपुरी, रंगपुर, पहाड़ी, गीता कॉलोनी, विवेकानंद कैंप पानी की किल्लत से हलकान हुए जा रहे हैं। ताजुब की बात यह है कि दिल्ली प्रदेश की सत्ता और नगर निगम दोनों की डोर आम आदमी पार्टी के हाथों में है, लेकिन केजरीवाल और उनकी टीम बहानों की आड़ में अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रही है। रविवार को केंद्रीय जल मंत्री को पत्र लिखकर आतिशी ने मदद की गुहार लगाई। वहीं दिल्ली पुलिस से पाइपलाइन की सुरक्षा को लेकर भी पेट्रोलिंग बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन टैंकर माफियाओं और जल बोर्ड की खस्ता हालत पर केजरीवाल और उनकी टीम चुप्पी साधे हुए है। भाजपा के मुताबिक साल 2013 में जल बोर्ड 600 करोड़ के मुनाफे में था, लेकिन आज वो 73,000 करोड़ के घाटे में पहुंच चुका है। इस पूरी सियासी कवायद में जनता की समस्या जस की तस बनी हुई है। दिल्ली प्रदेश सरकार के इस रवैये के खिलाफ दिल्ली से भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद और प्रदेश भाजपा लगातार सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। मैं तो 1993 से दिल्ली विधानसभा का मेंबर हूं, तब जल बोर्ड 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में चल रहा था। आज जल बोर्ड 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। एक भी दिल्ली के अंदर नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया नहीं और 8,500 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता केंद्र सरकार ने भी दिल्ली सरकार को उपलब्ध कराई, उसका हिसाब किताब भी ये देते नहीं है। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ केजरीवाल सरकार से कि 10 सालों में जब जब से पानी का ये संकट आया, उन्होंने संकट का हल निकालने के लिए क्या स्थायी समाधान निकाला? मेरी दिल्ली के लोग प्यासे हैं, मेरे भाई बहन बच्चों को पानी नहीं मिल रहा, उनकी आवाज उठाना, उनकी लड़ाई लड़ना, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ेगा और जब तक दिल्ली वालों को उनके हिस्से का पानी नहीं मिलेगा, हम आम आदमी पार्टी के चोर काला बाजार विधायकों को चैन से जीने नहीं देंगे। चिड़िया उस पानी में खड़ी है, वहाँ पे बीच में से मिट्टी दिखने लग गई है, आइलैंड दिखने लग गए हैं। तो जो सारा पानी यहाँ से वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जाता था, चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जाता था, ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जाता था, इन तीनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में पानी के प्रोडक्शन की अब समस्या हो रही है। हम हरियाणा से अपील करेंगे कि वो यहाँ पर यमुना में पानी छोड़े। नई दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने मोतीनगर में पानी की समस्या को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन किया।
केजरीवाल सरकार के निकम्मेपन के कारण ये पानी का संकट दिल्ली में हर गर्मी में आता है। इस बार तो पहले ही IMD ने ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि दिल्ली में बहुत भीषण गर्मी में आने वाली है। इन्होंने कुछ नहीं करा। दिल्ली जल बोर्ड की एक एक पाइपलाइन बहुत ही चरमराती हुई स्टेटस में है, लेकिन करेंगे भी क्यों? क्योंकि केजरीवाल सरकार केवल अपने भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करती है और इलीगल टैंकर माफिया को प्रोत्साहित करती है। दिल्ली के अधिकांश क्षेत्रों में पाइपलाइन से पानी की सप्लाई की जाती है, लेकिन बीते दिनों में इसमें भी लगातार कमी आ रही है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी की किल्लत दर्ज की जा रही है। दिल्ली की प्रदेश सरकार हरियाणा को इसका जिम्मेदार बता रही है। अगर दिल्ली में 1002 MGD के मुकाबले सामान्य जल उपलब्धता के आंकड़ों पर नजर डालें, तो 9 जून को 978 MGD, 10 जून को 958 MGD, 11 जून को 919 MGD, 12 जून को 951 MGD और 13 जून को 939 MGD रही। गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली में पानी की आपूर्ति की उपलब्धता में मात्र 63 MGD की कमी आई है, लेकिन दिल्ली के ज्यादातर इलाके जलविहीन क्यों हो गए? दिल्ली सरकार के कुप्रबंधन से आज दिल्ली की जनता में हाहाकार मचा है, लेकिन सरकार में कोई जवाबदेही नहीं है। गिरीश निशाना, सुयश शर्मा और धीरज कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। और दिल्ली के बाद अब बात कर्नाटक की करेंगे, जहां कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने बीते दिनों पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी की। ईंधन के दाम बढ़ने के बाद भाजपा सिद्धारमैया सरकार पर लगातार हमलावर है। एक तरफ जहां राज्य सरकार इस फैसले को सही ठहरा रही है, वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि अपने वादों को पूरा करने के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में बढ़ोतरी की है और अब कांग्रेस इस पर अपने बहाने बना रही है। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने के बाद इसका खामियाजा राज्य की जनता को चुकाना पड़ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस फैसले का रविवार को बचाव किया। उन्होंने दलील दी कि बढ़ी हुई वैट की दरों से राज्य में विकास कार्य जारी रहेंगे। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर कर्नाटक बिक्री कर की दरों को बढ़ा दिया है, जिसके बाद प्रदेश में ईंधन की कीमतें 3 रुपए से अधिक बढ़ गई हैं। राज्य में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 102 रुपए 85 पैसे हो गई है, जबकि डीजल की कीमत बढ़कर 88 रुपए 93 पैसे हो गई है। इस पूरे मामले पर भाजपा ने सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाया हुआ है और कांग्रेस पार्टी की नीयत पर सवाल खड़े कर रही है। भाजपा पूरे कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के महंगाई बम के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष BY विजेंद्र ने कहा कि एक ओर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपनी चुनावी वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरी ओर जनता को महंगाई का बोझ उठाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। भाजपा ये भी आरोप लगा रही है कि राज्य पर आर्थिक बदहाली का संकट मंडरा रहा है। दिस डिसीजन ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट विल कॉस्ट डियरली फॉर द पीपल ऑफ कर्नाटक। व्हेन द फार्मर्स वर इन ग्रेट डिस्ट्रेस, it will affect the farmers also, and the prices of buses, taxis, autos, and every common man will be affected by the decision of the Congress government. The financial situation is very bad in the state of Karnataka because of the mishandling of the situation by the Congress government and the Chief Minister Siddaramaiah himself. So Bharatiya Janata Party, we are taking on to the streets. We are protesting against the decision of the Congress government against the increase of the taxes on petrol and diesel. केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान कई वायदे किए थे। उन्होंने कहा कि अपने वादों को पूरा करने के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में बढ़ोतरी की और अब कांग्रेस इस पर बहाने बना रही है। उन्होंने कहा कि UPA सरकार ने जो 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑयल बॉन्ड्स खरीदे थे, उसका बोझ भारत आज तक झेल रहा है और अब तक करीब 3,20,000 करोड़ रुपए उन बॉन्ड्स के बदले चुका चुका है। इन्होंने अपने समय अपने 10 साल में दाम को कम रखने के लिए कुछ और किया था। इन्होंने ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए थे, जिसका कर्जा अब हम चुटा रहे हैं। इन्होंने 1,41,000 करोड़ का कर्जा लिया था, ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए, उसके हमें देने पड़ रहे हैं 3,20,000 करोड़। तो देखिए, ये ऐसे काम करते हैं और साथ में झूठ भी बोलते हैं। साथ भाजपा ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि कांग्रेस एक और महंगाई का ढिंढोरा पीटती है, लेकिन उसकी सरकार ही लोगों को महंगाई की चक्की में पीस रही है।
आशंका है कि बढ़ोतरी का असर पूरी सप्लाई चेन पर भी देखने को मिलेगा, जिसके कारण खाने पीने की चीजों के साथ साथ दूसरी चीजें भी महंगी हो जाएंगी और जिसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। ब्यूरो इनपुट्स के साथ देवेंद्र रावत और आयशा खानम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल की वायनाड लोकसभा सीट छोड़ेंगे और संसद के निचले सदन में उत्तर प्रदेश की रायबरेली का प्रतिनिधित्व करेंगे। राहुल गांधी द्वारा रिक्त वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये अहम जानकारी दी है। जो वायनाड सीट पे वो लड़े हैं, वहाँ के लोगों का प्यार भी उनको मिला है। वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि राहुल जी वायनाड सीट पे वो रिटेन कर दे, लेकिन कानून इसके लिए इजाज़त नहीं देती, इसीलिए वो बड़े सोच समझ के हमने ये तय करा कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए। कांग्रेस नेताओं की पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर यह अहम बैठक हुई और इस बैठक में कांग्रेस संसदीय समिति की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे। इसी मीटिंग में तय हुआ कि राहुल गांधी वायनाड लोकसभा सीट को छोड़कर रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद बने रहेंगे। वायनाड लोकसभा सीट पर अब प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। जो वायनाड सीट पे वो लड़े हैं, वहाँ के लोगों का प्यार भी उनको मिला है। वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि राहुल जी वायनाड सीट पे वो रिटेन कर दे, लेकिन कानून इसके लिए इजाज़त नहीं देती, इसीलिए वो बड़े सोच समझ के हमने ये तय करा कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए। इसी के साथ राहुल गांधी ने इस विषय पर कहा कि मेरा वायनाड और रायबरेली से भावनात्मक जुड़ाव है, मैं समय समय पर वायनाड जाता रहूंगा, वायनाड की जनता से किए वादे हम पूरा करेंगे। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी ज़िंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा। वही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वायनाड लोकसभा सीट को छोड़कर रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद बने रहेंगे और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी। इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आज ये सिद्ध हो गया कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं बल्कि एक पारिवारिक कंपनी है। उन्होंने इसे वायनाड की जनता के साथ ये बहुत बड़ा धोखा करार दिया और ये भी बात स्पष्ट हो गई कि परिवार की राजनीतिक विरासत बेटे के हाथ में ही रहेगी। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, एक पारिवारिक कंपनी है, ये तो आज सिद्ध हो गया। माता जी राज्यसभा में होंगी, बेटा जी लोकसभा की एक सीट से होंगे और प्रियंका जी को लोकसभा की दूसरी सीट से, मतलब तीनों सदस्य सदन में होंगे। ये तो परिवारवाद का एक परिचय है ही। उत्तर प्रदेश में कोई रिस्क लेना नहीं है तो बहना को केरला भेज दिया, वायनाड भेज दिया और वहां की सीट छोड़ दी, पर यह वायनाड की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा है सोचिए। और कम से कम एक और बात स्पष्ट हो गई कि राजनीतिक विरासत जो है परिवार की, वो बेटे के हाथ में रहेगी। ये भी दिखाता है कि पुत्र और पुत्री के बीच में किसे फर्स्ट रखा जाता है और किसे सेकंड रखा जाता है। और चलिए इसी के साथ अब समाचारों में आगे बढ़ेंगे और अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं, जहां अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खास मुलाकात की। एनएसए सुलिवन ने प्रधानमंत्री मोदी को द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों जैसे सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूरसंचार, रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, अंतरिक्ष जैसे अहम महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर प्रगति के बारे में जानकारी दी। पीएम मोदी ने सभी क्षेत्रों में बढ़ती द्विपक्षीय साझेदारी और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।
प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति बाइडेन के साथ अपनी हालिया सकारात्मक बातचीत को भी याद किया। पीएम ने वैश्विक भलाई के लिए व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और नए कार्यकाल में इसे और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। उत्तर भारत में आज भी भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से राहत नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों और उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों में गंभीर हीटवेव की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश, जम्मू संभाग, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गांगेय पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में भी गर्म हवाओं की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक उत्तर भारत में भीषण गर्मी की स्थिति बने रहने की आशंका के साथ पंजाब और उत्तर प्रदेश में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों समेत पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और बिहार के अलग अलग स्थानों पर 19 जून तक भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। वहीं आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सबसे ज्यादा 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वी आर रिसीविंग हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशंस ओवर द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स एंड heat wave also over the western Himalayan region and also warm night conditions over the plains of India. Accordingly, we have issued a red alert today, the 17th of June, over Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, including Delhi. और वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बुधनी से विधायक शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज मैं बहुत भावुक हूं, मैंने मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया है। जनता के इस प्यार पर मेरा पूरा जीवन न्यौछावर है और अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ मैं जनता की सेवा में लगा रहूंगा। वहीं केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग दिया गया और मैं इस विभाग के कार्य को समझ रहा हूं ताकि मैं बेहतर काम करूं और देश को आगे बढ़ाऊं। नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। भारत सरकार में हमको केंद्रीय मंत्री में उन्होंने चयन किया और विभाग भी कुछ ऐसा ही मिला है जो गरीबों से संबंधित है, रोजगार से संबंधित है, जिसकी आवश्यकता बिहार में है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग है, इसमें रोजगार देने के बहुत भारी संभावनाएं हैं और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने कह करके हमको कहा है कि मैं अपने विजन का विभाग आपको दिया है और हम समझते हैं कि मेरे लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है, हम अपना सर्वोत्तम करने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री ज्वेल ओराम ने सिकल सेल रोग के बारे में बात करते हुए कहा कि ये रोग ज्यादातर 0 से 40 वर्ष के आयु वाले जनजातीय बहुल इलाकों में रहने वाले लोगों में फैला हुआ है और ये 17 राज्यों में फैला है। इस बीमारी को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार लगातार कार्यक्रम भी चला रही है और इसे जड़ से खत्म करने की पूरी कोशिश कर रही है। ये 17 राज्यों में व्याप्त है, इसको उन्मूलन करने के लिए, इसको इराडिकेट करने के लिए भारत सरकार ने बजट का प्रावधान किया है। जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय इसको मिल के 19 जून से 3 जुलाई तक ये प्रोग्राम को चलाएंगे। आप लोगों से मेरा आग्रह है, ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानकारी पाने के लिए कर्मशाला में, अवेयरनेस कैंपेन में आप लोग भाग लें और वहाँ जाएं। जो इसका टेस्टिंग होगा, परीक्षण होगा, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के अरागाम इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। आतंकी की पहचान उमर अकबर लोन के रूप में हुई है, जिसे पट्टन के जाफर के नाम से भी जाना जाता है।
और आगे बढ़ते हुए बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां टिहरी और अल्मोड़ा सहित राज्य के कुछ अन्य पर्वतीय जिलों में वन अग्नि की घटनाओं की खबर है। तो वहीं जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग त्वरित गति से काम कर रहा है। इसी बीच प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान वन अग्नि की 6 घटनाएं सामने आई। मुख्यालय स्थित वरिष्ठ अधिकारियों को जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जो समय समय पर वन अग्नि नियंत्रण कार्यों का अनुश्रवण कर रहे हैं। तो वहीं आज अल्मोड़ा के लोधिया के जंगल में लगी आग को बुझाया गया, जबकि रानीखेत के कैंट क्षेत्र में लगी भीषण आग पर भी कैंट टीम ने काबू पा लिया है। और आगे बढ़ते हुए बात अब शिमला की करेंगे, जहां पड़ रही भारी गर्मी के कारण जल स्रोतों में पानी का स्तर काफी कम हो गया है, जिसकी वजह से शिमला शहर के कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत सामने आ रही है। शहर के कई इलाकों में चार चार दिनों के अंतराल पर पानी की आपूर्ति की जा रही है। इस कारण शहर के लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि शिमला जल प्रबंधन निगम का दावा है कि शहर में दो दिन बाद पानी की आपूर्ति मुहैया करवाई जाएगी। शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि बढ़ती गर्मी के कारण शिमला में पानी की भारी समस्या चल रही है, जल परियोजनाओं में पानी का स्तर कम हो गया है। उन्होंने बताया कि अगले साल तक शिमला को सतलुज से पानी की आपूर्ति की जाएगी, जिसके बाद पानी की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि इसके अलावा शिमला के शौचालय में भी पीने का ही पानी उपयोग में लाया जाता है, और इस पर भी नगर निगम शिमला अलग से पाइप बिछाने की योजना बना रहा है। आज का टूरिस्ट का सीज़न है, उससे लगभग 45 MLD तक हमारे को रिक्वायर्ड है। लेकिन सच्चाई यही है कि आज हमारे अभी जो हम पानी को है, हम दूसरे तीसरे दिन में चले गए, दो दिन छोड़ के हम पानी अब इलाकों को दे रहे हैं, जहाँ लेकिन तीसरे दिन जहाँ दे रहे हैं वहाँ हम उसको प्रॉपरली दे रहे हैं। और कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों से भी उम्मीद ये निवेदन ये करें कि पानी को थोड़ा कम मात्रा में किफ़ायत करें, उसको रोज़मर्रा की लाइफ में इसको रूटीन बनाएं कि आप थोड़ा थोड़ा कम पानी यूज़ करें। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब और बंगाल उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने जालंधर पश्चिम से शीतल अंगुराल को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के उपचुनाव के लिए रायगंज से मानस कुमार घोष, राणाघाट दक्षिण से मनोज कुमार विश्वास, बगदा से विनय कुमार विश्वास और मानिकतला से कल्याण चौबे भट्टाचार्य को अपना कैंडिडेट घोषित किया है। भारतीय बैंकिंग सेक्टर से एक अच्छी खबर है। दरअसल भारतीय बैंकों का मुनाफा पिछले 10 साल में 4 गुना बढ़ गया है। इसके साथ ही खराब लोन की संख्या में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इन्वेस्टमेंट ग्रुप CLSA की रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। CLSA की इस रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले एक दशक में भारतीय बैंक की बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत हुई है और मुनाफा 4 गुना तक बढ़ गया है। साथ ही इस रिपोर्ट में यहां ये भी बताया गया कि नेट NPL यानी नॉन परफॉर्मिंग लोन बीते एक दशक में काफ़ी नीचे चला गया है। इससे एसेट्स क्वालिटी में काफ़ी सुधार हुआ है और बैंकों की कैपिटल पोजिशन भी काफ़ी अच्छी हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि बीते 5 वर्षों में सरकारी बैंकों ने निजी बैंकों की अपेक्षा काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि पिछले एक दशक में चालू खाते के मामलों में निजी बैंकों ने सरकारी बैंकों को पछाड़ दिया है और गैर जमा उधार में भी कमी आई है। CLSA की इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि पिछले 2 सालों में लोन वृद्धि पर 10% से बढ़कर 15% हो गई है। पिछले 5 से 7 वर्षों में कॉरपोरेट क्रेडिट की क्वालिटी में भी सुधार हुआ है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं योग की खबरों से जुड़ी, जहां श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित योग महोत्सव के हिस्से के रूप में 2300 साल पुराने पवित्र पीपल के पेड़ जयश्री महाबोधि पर योग सत्र आयोजित किया गया। ऐसा माना जाता है कि इस पेड़ को सम्राट अशोक की बेटी राजकुमारी संघमित्रा द्वारा भारत से श्रीलंका ले जाया गया था। इसके अलावा वटिकलोआ के गांधी पार्क और सिगिरिया सेंट्रल कॉलेज में भी योग और ह्यूमैनिटी थीम पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। यह आयोजन को आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन और ब्रह्म कुमारी इस द्वारा समर्थित था। और अब बात जयपुर की करेंगे, जहां नगर निगम ग्रेटर ने 51 संस्थाओं के सहयोग से योग अभ्यास का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। योग अभ्यास का कार्यक्रम रविवार से सोमवार तक चला। इस दौरान 1611 मिनट तक योग करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा,
यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत और जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर उपस्थित रहीं। साथ ही बड़ी संख्या में योग प्रशिक्षक भी यहां मौजूद रहे। इसी बीच उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि लोगों ने योग अभ्यास का रिकॉर्ड तोड़ा है, इसमें 1500 मिनट से ऊपर का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। साथ ही उन्होंने सहयोगी संस्थाओं और प्रतिभावान बच्चों की भी सराहना की है। जो विश्व रिकॉर्ड का जो 1500 मिनट का लक्ष्य लिया था, ये 1611 मिनट, उससे भी ज़्यादा किया है। मैं इन्हें सभी संगठन और संस्थाएं जो योग में भाग लेकर शिक्षण संस्थाएं और सभी ने लिया है, निश्चित रूप से हर बच्चों का जो प्रतिभा सामने आई है और योग के माध्यम से जो यहाँ प्रदर्शन किया है, निश्चित रूप से हमारे बच्चों में, हमारे युवाओं में बहुत सारी प्रतिभा है, लेकिन ऐसे नवाचार करके और अगर उनको मंच पे लाया जाए तो निश्चित रूप से उनका हौसला अफजाई होगा और एक समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने योग अभ्यास से तन, मन और मस्तिष्क स्वस्थ की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वस्थ रहने से सकारात्मक विचारों का प्रवाह होता है। हर व्यक्ति योग की तरफ आकर्षित होगा तो निश्चित रूप से जो सामान्य बीमारियां लोगों को परेशान करती हैं वो उनसे, शरीर से दूर होंगी। तन स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क स्वस्थ होगा, और जब तन, मन और मस्तिष्क तीनों स्वस्थ होंगे और उनमें सकारात्मक विचारों का प्रवाह होगा। नगर निगम ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर ने कहा कि 1000 से ऊपर योग साधकों ने योग अभ्यास किया, कई साधकों ने पुनरावृत्ति भी की, तो वहीं 80 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों ने अपने जीवन में पहली बार योग अभ्यास किया। इसमें लगभग 1000 योग साधकों ने योगाभ्यास किया और बिना रुके हुए, और कुछ योग साधकों ने तो पुनरावृत्ति भी की है। कुछ योग साधक हमारे वृद्धाश्रम से आए हुए, आत्मनिर्भर वृद्धाश्रम से 80+ जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने जीवन में पहली बार योग किया, पहली बार उन्होंने मंच पर परफॉर्म किया। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अन्य खबरों का रुख करते हैं, जहां लघु फिल्मों, डॉक्यूमेंट्री और एनिमेशन फिल्मों के लिए मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 18वें संस्करण में दुनिया की बेहतरीन फिल्मों का प्रदर्शन जारी है। पहली बार मिफ की स्क्रीनिंग और रेड कारपेट कार्यक्रम 5 शहर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पुणे और दिल्ली में एक साथ हो रहा है, जहाँ दर्शक समानांतर स्क्रीनिंग का आनंद ले रहे हैं। यानी कि देश भर के फिल्म प्रेमियों को विश्व स्तरीय सिनेमा देखने का मौका मिल रहा है। दिल्ली के सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में लगातार फिल्मों की स्क्रीनिंग जारी है। सोमवार को क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म बिली एंड मॉली स्क्रीन की गई। एक जंगली उदबिलाव मॉली और उसकी समर्पित बचावकर्ता बिली के बीच प्यार की एक दिल छू लेने वाली कहानी दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रही है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 61 भाषाओं में 314 फिल्में, 8 विश्व प्रीमियर, 5 अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर, 18 एशियाई प्रीमियर और 21 भारत प्रीमियर हो रहे हैं। 60 देश अपनी फिल्मों और अन्य प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हिस्सा ले रहे हैं। नई पहलों में इस वर्ष पहली बार डॉग फिल्म बाजार की भी शुरुआत हुई है, जो स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं के लिए अपनी परियोजनाओं के लिए खरीदार, प्रायोजक और सहयोगी खोजने के लिए समर्पित बाजार है। राजधानी दिल्ली में इस वक्त प्रचंड गर्मी के बावजूद दर्शक दुनिया की बेहतरीन फिल्मों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं, जो कि आयोजकों के लिए अच्छी खबर है। फर्स्ट टाइम है कि दिल्ली में हो रहा है और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहानी जब हम कहते हैं, एक बहुत अच्छा शेर है कि कौन सी बात कैसे कही जाती है, ये सलीका आ जाए तो हर बात सुनी जाती है। तो हर एक की कहानी है, अपना तरीका है सुनाने का, बताने का, तो उनको और ऊर्जा मिले, उनको और प्रेरणा मिले, तो उसके लिए मुझे लगता है कि ऐसे जगह जगह पर अगर हमारे ये मिफ के ऐसे शोज़ होते हैं, ऐसे इवेंट्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो लोकल जो वहाँ के लोग हैं उनको हिम्मत मिलती है कि यार हम भी अगर फिल्म फेस्टिवल में अपनी मूवीज़ भेजे या इस तरीके से भेजे तो हमें भी एक रिकॉग्निशन मिलेगा अलग अलग शहरों में। तो ये कि बहुत अच्छा उन्होंने स्टेप उठाया, आई थिंक बहुत बढ़िया मूव है दैट ऐसा फिल्म फेस्टिवल जो अभी तक बॉम्बे में फोकस था एंड इट वॉज कॉल्ड मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, नाउ फाइनली द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज़ गेटिंग अ चांस। यू नो, बाकी लोग जो हैं हमेशा रह जाते हैं कि यार हमको ये फिल्म देखनी नहीं मिली, और मल्टीपल स्क्रीनिंग्स हो रही हैं और साइमल्टेनियस स्क्रीनिंग्स हो रही हैं, तो आई थिंक बहुत ही बढ़िया मूव है। पहला साल है तो थोड़ा वी हैव टू बी ऑल्सो फॉरगिविंग कि कुछ हिकअप्स होंगे, एक्सपेक्टेड है, बट आई थिंक इट इज़ अ ब्रिलियंट मूव, बहुत अच्छा काम किया है।
अच्छा लग रहा है आज हम यहाँ दिल्ली में हैं सी रिपोर्ट ऑडिटोरियम में। जनरली हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए नहीं मिलते हैं, मुंबईज में होते हैं सारे फेस्टिवल वगैरह, बट हम ये अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है कि हम यहाँ पे आके देख पा रहे हैं, तो काफ़ी सही लग रहा है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। आइए देखते हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स जो मिफ में देखने को मिल रही हैं। ये बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलती हैं और साथ ही ये रेयर मौका है कि मिफ के लेवल की डॉक्यूमेंट्रीज दिल्ली में दिखाई जा रही हैं। तो मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 18वें संस्करण के तीसरे दिन कई फिल्म निर्माताओं ने अपने अनुभवों को साझा किया। प्रसारण संयुक्त सचिव प्रथुल कुमार ने MIFF के बारे में बोलते हुए कहा कि इस बार मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कई श्रेणियां हैं जिसमें मिशन लाइफ, वाइल्ड लाइफ, आज़ादी की अमृत कहानियाँ और भी कई कहानियाँ इसमें शामिल हैं। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए क्रांतिकारी कदम, 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं 3 नए आपराधिक कानून। औपनिवेशक काल के काले कानूनों से देश को मिलेगी मुक्ति। IPC, CRPC और साक्ष्य अधिनियम की जगह लागू होंगे नए कानून। क्या है इन कानूनों में नए प्रावधान, कैसे होगी इनसे जनता के हितों की रक्षा, देखिए TD न्यूज का विशेष कार्यक्रम नए भारत के नए कानून हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ TD न्यूज पर। भारत ने विश्व को दिया योग, दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहा योग, भारतीय सांस्कृतिक विरासत का त्योहार। संयुक्त सचिव प्रथुल कुमार हमारे साथ में हैं और मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू है, उसी के बारे में बात करेंगे हम। सर, सबसे पहले तो इस बार काफ़ी भव्य हुआ है, ये क्या क्या इनिशिएटिव्स आप लोगों ने इस बार लिए हैं? इस बार पहली बार ये डॉक्यूमेंट फिल्म बाजार ऐड किया गया है जिसमें करीबन 30 स्टॉल्स हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स की पॉलिसी दिखाती हैं। बाकी जो हमारे VFX और टेक्नोलॉजी के स्टॉल्स हैं उनका यहाँ दर्शाना के लिए जो फिल्म मेकर्स आए हुए हैं उनके लिए नई नई टेक्नोलॉजीज हैं जो वो देख सकते हैं। क्या कहेंगे आप इस बार के सिलेक्शन के बारे में, जूरी के बारे में, किस तरीके से हमें ये एंट्रीज आई हैं? इस बार रिकॉर्ड नंबर ऑफ एंट्रीज आई थी और 1000 से ऊपर फिल्मों की, और वो उससे कॉम्पिटिशन की फिल्में सिलेक्ट की गई करीबन 100, और उसके अलावा जो नॉन कॉम्पिटिशन की फिल्में हैं करीबन 200 और, टोटल मिला के 314 फिल्में। उसमें ये खास ध्यान रखा गया कि वर्ल्ड ओवर की जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्रीज हैं, वर्ल्ड ओवर की जो बेस्ट एनिमेशन फिल्म्स हैं, इवन 7 फोकस कंट्री पैकेजेस हैं जिसमें उन कंट्रीज की बेस्ट फिल्में ही दी गई। आज़ादी की अमृत कहानियाँ, ये क्या है, इसमें कितने मूवीज हैं और क्या एक तरीके से हम यहाँ पर जो सेंटिमेंट है वो दर्शाना चाहते हैं? आज़ादी की अमृत कहानियाँ ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और नेटफ्लिक्स के साथ एक इनिशिएटिव था जिसमें अब जो आज़ादी की अमृत कहानियों का पार्ट है, इस बार जो सेशन शोकेस किया और फिल्में शोकेस की गई उसमें वो सोशल इनोवेटर्स के बारे में है जिन्होंने अपनी सूझबूझ, अपनी मेहनत से जो प्रॉब्लम नेशन जैसे कोविड की फेस कर रहा था, तो जिस सोशल इनोवेटर ने ऐसे टेस्ट किट्स बनाए जो कि हर किसी को अपना खुद से सेल्फ टेस्ट करने में मदद करें, उस तरह की चीज़ें हाईलाइट कर रहे हैं। एक तो मिशन लाइफ है जहाँ पे हम हमेशा फोकस कर रहे हैं लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, G20 में काफ़ी बड़ा हमारा ये एम्फेसिस रहा, वो है मिशन लाइफ। फिर एक वाइल्ड लाइफ के ऊपर में भी है, एशियन पैकेज भी है, इनके बारे में भी थोड़ा सा बता दें कि क्या है इन फिल्में और कहाँ कहाँ से आई हैं ये फिल्में। सो माननीय प्रधानमंत्री जी का कॉल था मिशन लाइफ के लिए, और तो इसके लिए एक CMS वातावरण करके एक फेस्टिवल होता है, उसके थ्रू और भी जो इन्वायरमेंटल फिल्म्स थी उसमें से बेस्ट फिल्म्स जो मिशन लाइफ को सूट करती हैं उनके फिल्म्स का एक पैकेज बनाया गया है और वो दर्शाने की कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन गौरव कागड़ा के साथ श्यामा मिश्रा, DD न्यूज मुंबई। वही फिल्म निर्माता TS नागभरण के साथ सिनेमा के माध्यम से एक बेहतर दुनिया को आकार देना, इस पर चर्चा की गई, आइए सुनाते हैं। सिनेमा इज एजुकेशन
and education is self-motive. That's my slogan when I started Karnataka Chalanchitra Academy. Cinema in education, education in cinema. And today, that's what is happening. Unless you have the discipline of educational value for any media, it will not sustain. And today, all of you, being the students of cinema, I am also, even today, I am a student of cinema. Have you found any film which is no way connected to society? The characters or the incidents or anything you connect, it is directly connected to the society. So invariably, a filmmaker has to be socially relevant. He must update every place and others so that we can educate the rural folks. और वहीं एक पैनल चर्चा में सिनेमा के माध्यम से जीवंत की गई महिलाओं की कहीं कहानियों पर प्रकाश भी डाला गया। सत्र में फिल्म निर्माता सृष्टि लखेरा, फरहा खातून, प्रेरणा बरबरुआ और इसाबेल सिमोनी का सम्मान किया गया, जो महिलाओं की उपलब्धियों, संघर्षों और अनुभवों का समर्थन कर रही हैं। I'm very honored to be sharing this panel with Indian filmmakers. And what I think, you know, it's always important to be able to share experiences with other women filmmakers, you know, talk about women issues. So it's very important to share experiences with other female directors and talk about gender issues, and I think it always helps. It was quite an interactive and wonderful discussion, because one always learns from your fellow colleagues and fellow filmmakers. And what we discussed was about the voice of women, actually, over the ages. How women have sort of, you know, broken the shackles of suppression and come out and have started talking about issues which were earlier not spoken about. मुझे लगता है मीफ जो है मेरे लिए एक extended film school रहा है, क्योंकि मेरी जो पहली फिल्म थी I Am Bonnie, उसका selection मीफ में हुआ था, international competition में, और हम लोगों को award में मिला था. और पहली फिल्म में अगर मतलब इस तरह के एक बड़े platform में award मिलना हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, और आगे चल के उसका हम लोगों को बहुत फ़ायदा तो डेफिनेटली मिला है. एक डाइवर्सिटी जो है, जो विभिन्न प्रकार के लोग हैं, उनको कैसे औरतें उनकी कहानी कैसे आगे लाती हैं. अपनी कहानी तो लाती ही हैं, जो औरतें हैं अपनी कहानी तो बताती हैं, पर सोसाइटी में जनरली और किस किस की कहानियाँ नहीं जिनकी बताई जाती हैं. इंस्टीट्यूशनली या समाज हमारा दबाता है, या हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं प्लेस में सरकार के अदरवाइज वो दबाते हैं और उनकी कहानियाँ बाहर नहीं निकलती हैं. तो औरतें जो हैं बहुत बढ़ चढ़ के जिन लोगों की कहानियाँ, जिन समाज की कहानियाँ नहीं बताई जाती हैं बाहर, उनकी कहानियाँ में बहुत इंटरेस्टेड हैं. तो ये एक तरीके से, मतलब मैं बोलूँगी, बहुत अच्छी चीज़ निकल के आई आज. और वहीं बीते कई सालों से आंध्र प्रदेश बिना आधिकारिक पूर्ण राजधानी के ही काम कर रहा था, लेकिन अब जब राज्य में टीडीपी, बीजेपी और जनसेना गठबंधन की भारी बहुमत की सरकार बन चुकी है और मुख्यमंत्री के तौर पर चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को प्रदेश की राजधानी बनाने की आधिकारिक घोषणा भी कर दी है, इसके बाद अब आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी अमरावती ही होगी. लेकिन बीते कई सालों से अमरावती की चर्चा क्यों होती रही और क्यों पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने 3 कैपिटल फॉर्मूला दिया था? आखिर क्या है आंध्र प्रदेश की राजधानी का विवादास्पद मुद्दा जो बीते कई सालों से राज्य की राजनीति में छाया रहा है? क्या चाहते हैं यहाँ के किसान और क्या है यहाँ के जमीनी हालात? आइए आपको दिखाते हैं अमरावती से हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता की ये ग्राउंड रिपोर्ट. विजयवाड़ा से बमुश्किल 20 किलोमीटर दूर अमरावती आज अधूरी इमारतों, बंद पड़ी परियोजनाओं और सैकड़ों स्थानीय निवासियों, खासकर किसानों की धराशाही हो चुकी उम्मीदों का घर बन चुकी है. लेकिन आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में टीडीपी, बीजेपी और जनसेना गठबंधन की प्रचंड जीत
और मुख्यमंत्री के तौर पर चंद्रबाबू नायडू के शपथ लेने के बाद अमरावती राजधानी शहर परियोजना आज एक बार फिर से पुनर्जीवित हो गई है। शपथ लेने से पहले ही चंद्रबाबू नायडू ने राज्य की एकल राजधानी के तौर पर अमरावती को डेवलप करने की घोषणा कर दी है। साल 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन और नए तेलंगाना राज्य के गठन के बाद से ही आंध्र प्रदेश की राजधानी का विवादास्पद मुद्दा राज्य की राजनीति में छाया रहा है। साल 2014 से 2019 के बीच विभाजित राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू ने साल 2015 में अमरावती को राजधानी बनाया था। साल 2016 में नायडू ने अमरावती में 9 थीम सिटी और 27 टाउनशिप बनाने की घोषणा की थी। अमरावती को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के लिए इसलिए चुना गया था क्योंकि ये राज्य के दो बड़े अर्बन सेंटर विजयवाड़ा और गुंटूर के बीचों बीच स्थित है। चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने उस वक्त अमरावती को विश्व स्तरीय राजधानी बनाने की घोषणा की और एपी कैपिटल डेवलपमेंट रीजन यानी एपीसीडीआर के लैंड पूलिंग नीति के तहत शहर के आसपास के 29 गांव से इसके लिए भूमि अधिग्रहण शुरू किया। अमरावती को राजधानी बनाने के लिए उस वक्त गुंटूर और कृष्णा जिलों में पड़ने वाले गांव से लगभग 33,000 एकड़ भूमि एकत्र की गई थी। 22 अक्टूबर 2015 को अमरावती राजधानी की आधारशिला रखी गई और उस समारोह में पीएम मोदी ने भी हिस्सा लिया था। चंद्रबाबू नायडू को साल 2019 में झटका लगा जब टीडीपी ने सत्ता खो दी और वाईएस जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआरसीपी ने राज्य में भारी जीत हासिल कर सरकार बनाई। सत्ता में आते ही जगनमोहन रेड्डी ने अमरावती राजधानी शहर की योजना पर पानी फेर दिया और दिसंबर 2019 में तीन राजधानियों का एक नया फॉर्मूला दिया जिसके मुताबिक विशाखापत्तनम को कार्यकारी राजधानी, अमरावती को विधायी राजधानी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया। राजनीति के जानकारों के मुताबिक राज्य की एकल राजधानी की आधिकारिक घोषणा के बाद आज अमरावती के निर्माण को गति देना नई सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। Happy days are here again. Amaravati will start developing. Now again the alliance has come back. TDP and its allies have come to power. Let's hope for development in the near future. अब जब टीडीपी, बीजेपी और जनसेना गठबंधन भारी जीत के बाद राज्य में सरकार बना चुकी है, ऐसे में अमरावती को राज्य की एकल राजधानी के रूप में विकसित करने की सरकार की प्रतिबद्धता नजर भी आने लगी है। अमरावती विल बी द सिंगल कैपिटल, एट द सेम टाइम वाइजाग विल बी डेवलप्ड बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, नॉट एज कैपिटल बट एज ए ड्रीम सिटी, एज ए ड्रीम डेस्टिनेशन। चंद्रबाबू नायडू गारु आफ्टर द स्टेट वाज डिवाइडेड ही क्लियरली मेंशन्ड दैट अमरावती इज आवर कैपिटल and we are standing behind that and then we are going to develop Amaravati as a state capital. We made it clear here that for the capital is Amaravati is the capital for the state of Andhra Pradesh. राज्य की राजधानी बनाने के लिए अब तक अमरावती में 28,733 किसानों से जहां जमीनों को अधिग्रहित किया जा चुका है, वहीं इस पर 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। Now it has again got back our golden days to us. Why? Because we are saying this in an a pride of honor because we got back our CM Chandrababu Naidu. The only leader who developed the Amaravati is the Chandrababu Naidu. He will develop the Andhra Pradesh. We have confidence about the Chandrababu Naidu. अब जब राज्य में चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने नई ऊर्जा के साथ काम करना शुरू कर दिया है, ऐसे में नई राजधानी में एक नया शहर बसाने की योजना है। इसमें सड़कें काफी चौड़ी होंगी, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, मेट्रो ट्रेनें होंगी, इसे ई बसों, वाटर टैक्सी और साइकिलों के जरिए जोड़ने की भी योजना है। बहरहाल आज आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में बंद पड़े सभी परियोजनाओं को जहां फिर से गति देने की सरकार की प्राथमिकता है, वहीं चंद्रबाबू नायडू का सपना राज्य की राजधानी अमरावती को दुनिया के 5 बड़े शहरों में शामिल करने का भी है। अब राज्य में जब चंद्रबाबू नायडू ने प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से सरकार बना ली है, साथ ही राज्य की एकल राजधानी के तौर पर अमरावती को भी डेवलप करने की घोषणा कर दी है, ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में राज्य की एकल राजधानी के तौर पर अमरावती लगातार विकास पथ पर आगे बढ़ेगा। कैमरामैन सत्या के साथ अमरेंद्र गुप्ता, अमरावती, आंध्र प्रदेश, डीडी न्यूज।
और वहीं देश भर में ईद उल अजहा का या फिर ईद उल अजहा का त्यौहार आज मनाया गया। ईद उल अजहा को त्याग और कुर्बानी के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। सभी ईदगाहों और प्रमुख मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जाती है। दिल्ली की जामा मस्जिद में भी लोगों ने नमाज अदा की और देश की प्रगति, विकास, आपसी सौहार्द और भाईचारा बढ़ाने के लिए सामूहिक दुआ भी पढ़ी। वहीं मुंबई में भी लोगों ने माहिम दरगाह में ईद उल अजहा के मौके पर नमाज अदा की। ईद उल अजहा को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को बधाई दी है। और इसी के साथ फिलहाल मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।